हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लेडीज सॉक्स, लेडीज शूज, लेडीज जूती लेके आई हूँ। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये टू कलर की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। और देखिए बहुत ही प्यारा सा मैंने ये डिजाइन बनाया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। ये मैंने 4 और 5 नंबर के साइज की बनाई है। अगर आप इसमें छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो लेंथ और थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, और बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, 22 फंदे डाले हैं। फंदे सेम ही रखिएगा आप, जैसे 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर के लिए। तो 22 फंदे डाल के मैंने 4 और 5 के लिए बनाई है। तो मैंने यहाँ पर 5 डिजाइन इस साइड में डाले हैं, फिर प्लेन बुना है और 10 डिजाइन मैंने यहाँ पर डाले हैं। अगर आप इसको बड़े साइज में बनाना चाहते, सेम बुनना चाहते हैं 4 और 5 के, तो सेम ही बुन लीजिए। और आप इसको बुनना चाहते हैं 6 और 7, 8 नंबर में, तो यहाँ पर आप ये 1 डिजाइन यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। 2 सिलाइयों का डिजाइन है, 4 सिलाई प्लेन है, तो ये 6 सिलाई बढ़ जाएंगी इस साइड में, 1 डिजाइन दूसरी साइड में बढ़ा लीजिएगा, तो ये बड़े साइज में बन जाएगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिजाइन बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है और फिटिंग भी बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। लेडीज के लिए बनाइए, या गर्ल्स के लिए बनाइए, या बेबी के लिए बनाइए, किसी के लिए भी बनाइए, आप किसी भी साइज में परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो देखिए जितने देखने में सुंदर है, बनाने में उतने ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए और मेरा बताने का तरीका अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स को बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, एक ग्रीन लिया है, एक मैंने येल्लो लिया है। नॉर्मल मेरी वूल है और मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो ऐसे सिंगल धागा लेंगे और एक ऐसे यहाँ पे नोट लगाएंगे, ऐसे नोट लगा के और फंदा बना लेंगे, और इस धागे को ऐसे उंगली पे करेंगे, इसको अंगूठे पे यहाँ से करते हुए ऐसे फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 22 फंदे डाल लेंगे, ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ से फंदा बनाएंगे, फिर से यहाँ से सिलाई डालेंगे, उंगली वाले का फंदा ऐसे बना लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 22 फंदे डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 22 फंदे डाल लिए हैं, 22 फंदे सिंगल धागे से डाले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से ही हम बुनना शुरू करेंगे। तो धागा ऐसे पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से फिर से फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। तो अब फिर आ जाइए राइट साइड में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक लाइन हमारी ये फंदे डले हुई बनी हुई है, एक रो हमारी फिर ये लाइनिंग की बन गई, तो 2 धारियाँ हमारी ये बन के आ गई हैं। अब यहाँ से हम इसके अंदर येलो डिजाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम इस धागे को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए डिजाइन को डालेंगे इसके अंदर, हम बहुत ही प्यारा सा ये चोटी वाला डिजाइन डालेंगे। तो ऐसे येलो फंदा बनाएंगे। अब आगे वाला फंदा फिर बुनेंगे, तो इसको आगे की तरफ करेंगे और ग्रीन से फंदा बुन लेंगे, फिर ग्रीन को आगे की तरफ दबाएंगे और येलो से बुन लेंगे।
यहाँ से ये डिजाइन वाली सिलाई हमारी उल्टी बन के आएगी सीधी तरफ से, फिर एक फंदा ग्रीन बनाएंगे, फिर से इस धागे को दबाएंगे और येलो फंदे से धागे से फंदा बुनेंगे, फिर येलो को दबाएंगे और ग्रीन से बनाएंगे, फिर से ग्रीन को आगे दबाएंगे और येलो से फंदा बनाएंगे, अब येलो को आगे की तरफ दबाएंगे और ग्रीन से बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। येलो से बनाएंगे, फिर से इस फंदे को ऐसे दबाएंगे और ग्रीन से धागा फंदा बुन लेंगे। तो एक फंदा येलो और एक फंदा ग्रीन, एक फंदा येलो और एक फंदा ग्रीन, ऐसे दबाएंगे और आगे से ऐसे बना लेंगे। सिर्फ यही ध्यान रखेंगे, इस धागे को आगे की तरफ रखेंगे, फिर फंदा बनाएंगे, फिर आगे की तरफ रखेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे, फिर आगे रखेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। पूरी सिलाई हमारी ऐसे उल्टी ही बनती जाएगी और इस धागे को जैसे बुनते वक्त आगे दबाएंगे तो इसको टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, डिजाइन अच्छे से बन के आएगा। फिर एक फंदा ग्रीन, फिर से आगे दबाएंगे, फिर से एक फंदा येलो, फिर से आगे दबाएंगे, फिर से एक फंदा ग्रीन, फिर से आगे दबाएंगे और फिर से एक फंदा येलो, फिर से इसको आगे दबाएंगे और एक फंदा ग्रीन। तो देखिए सीधी तरफ से ये इस तरह से डिजाइन बनता गया। अब देखिए रोंग साइड से इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। सिर्फ डिजाइन ये दो सिलाइयों का ही बन के आएगा। जो ग्रीन फंदा है इसको ग्रीन ही बनाएंगे, बैक साइड से ये सिलाई सीधी बनेगी और सीधी तरफ से उल्टी बनेगी। तो ग्रीन फंदा बनाएंगे, फिर येलो बनाएंगे तो इसको आगे की तरफ ऐसे दबाएंगे, फिर येलो से बनाएंगे, फिर ग्रीन फंदा बनाएंगे तो इसको आगे की तरफ ऐसे दबाएंगे और ग्रीन से फंदा बनाएंगे, फिर से इसको आगे की तरफ दबाएंगे और येलो से फंदा बना लेंगे, फिर से इसको ऐसे ही बनाएंगे और इसको ग्रीन से बुन लेंगे। येलो फंदा येलो से बनाएंगे और ग्रीन फंदा ग्रीन से, सिर्फ आगे की तरफ धागे को दबाते चलेंगे। सिर्फ दो सिलाइयों का बीच में डिजाइन डलता जाएगा और चार सिलाइयां हमारे बीच में, दो धारियां बीच में प्लेन आती जाएंगी। ऐसे ही बुनते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आगे की तरफ दबाएंगे और फिर से बनाएंगे। ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे और इसको येलो बनाएंगे, ग्रीन फंदे को ग्रीन बनाएंगे और येलो को येलो। आगे की तरफ दबाते जाएंगे, फंदे को नॉर्मल रखेंगे, ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे। आगे की तरफ फिर से येलो, ग्रीन वाले को ग्रीन बनाएंगे, येलो वाले को येलो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आ गया है। बहुत ही प्यारा सा और इजी सा डिजाइन है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, फिर से जैसे ये नीचे दो धारियां बनी हुई हैं ग्रीन की, ऐसे ही दो धारियां फिर से बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम ग्रीन धागा लेंगे और पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लिया। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। तो देखिए इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से जो ग्रीन कलर की सिलाइयां बनेंगी वे दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे इसको बनाते जाएंगे, ऐसे हमारी ये धारी बन के आ जाएगी। धागा अपनी तरफ, लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जैसे अब ये एक धारी ग्रीन की बनी है, ऐसे ही एक धारी और बनाएंगे।
तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे इसको बना लेंगे। तो बीच में हमारी ये चार सिलाइयां सीधी सीधी दोनों तरफ से बनेंगी। ऐसे इसको बनाएंगे। तो देखिए ये दो धारियां हमारी बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दो सिलाइयों में डिजाइन डला है, चार सिलाइयां हमारी बीच में प्लेन आई है, तो टोटल छह सिलाई बनी है। तो इसी तरह से इन्हीं छह सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये जो डिजाइन डले हैं डबल कलर वाला, ये हम यहाँ पर पांच डिजाइन डालेंगे। ऐसे ही बीच में चार चार सिलाइयाँ प्लेन बुनते जाएंगे और पांच डिजाइन डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आगे ये बीच में हम येलो कलर से डिजाइन प्लेन ही डालेंगे। फिर आगे ये दस डिजाइन बनाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस डिजाइन को एक बार फिर से ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे, जैसे एक फंदा बनाएंगे येलो से। अब दूसरा फंदा बनाएंगे ग्रीन से, फिर ग्रीन धागे को आगे दबाएंगे, फिर बनाएंगे येलो से, फिर आगे दबाएंगे, फिर से बनाएंगे ग्रीन से, फिर दबाएंगे, फिर बनाएंगे येलो से, फिर आगे की तरफ दबाएंगे, फिर बनाएंगे ग्रीन से, फिर आगे दबाएंगे, फिर बनाएंगे येलो से। तो इसी तरह से बनाते हुए इस डिजाइन को हम बना लेंगे। फिर बैक साइड से फिर से ऐसे ही बनाएंगे, आगे दबाएंगे, फिर से ग्रीन से बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन और बहुत ही प्यारी सी ये सॉक्स हमारी बन के आएगी। इसको आगे की तरफ दबाएंगे, फिर से येलो बनाएंगे, फिर येलो को आगे दबाएंगे और ग्रीन से बनाएंगे। आगे की तरफ दबाते जाएंगे तभी हमारा ये डिजाइन डलता जाएगा। तो इसी तरह से इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए पांच डिजाइन मैंने ये डबल कलर के नीचे की तरफ बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच। इसके अंदर ये बीच में चार चार सिलाइयाँ हमारी प्लेन बुनती गई हैं, जो दो धारियाँ बन के आई हैं। पाँच डिजाइन बनाने के बाद दो धारियाँ मैंने ग्रीन की डाली हैं, फिर दस धारियाँ मैंने ये येल्लो से डाली हैं। टोटल बीस सिलाई मैंने ये येल्लो की बनाई है। फिर से दो सिलाई यहाँ पर ग्रीन की दो धारी बना के और ऊपर की तरफ मैंने ये दस डिजाइन डाले, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस डिजाइन डलने के बाद यहाँ से अब हम अपना येलो कलर कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर एक नोट ग्रीन और येलो की लगा दी है ताकि फंदा लूज नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना ग्रीन कलर से इस पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बना ली है। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो यहाँ से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए ये एक धारी हमारी बन गई है, दो सिलाइयाँ बन गई हैं, तो तीसरी सिलाई को फिर से हम सीधा सीधा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ऐसे तीसरी सिलाई को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये तीसरी सिलाई भी सीधी सीधी बना ली है। अब आ गए रोंग साइड में। तो अब देखिए यहाँ से अब हम इसके फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से ऐसे निडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से इसको निडल पे लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से इसे निडल पे लेंगे और दो का एक फंदा बना लेंगे। फिर से इसे निडल पे लेंगे और दो का एक फंदा बुन लेंगे। इस तरह से ये हमारी दो धारियों बन के आ जाएंगे, एक फंदे बाइंड किए हुए, एक धारी ये नीचे। तो इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए। अब इस धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे नोट लगा देंगे इस तरह से।
अब देखिए यहाँ से अब हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हम एक धारी के अंदर से एक फंदा उठाएंगे, ऐसे लेंगे और इस तरह से फंदा उठा लेंगे। पहले ये नोट लगा के धागे को ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ से फंदे उठाएंगे, ऐसे यहाँ से फिर सिलाई डाल लेंगे और फंदा उठा लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम लास्ट तक फंदे उठाते जाएंगे। ऐसे फंदे उठा लेंगे यहाँ से और लास्ट तक, यहाँ तक फंदे उठा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 64 फंदे यानी 64 फंदे मैंने उठा लिए हैं। ये सीधी साइड है, अब यहाँ से रॉन्ग साइड से अब देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे सीधी तरफ से, और फिर बैक साइड से भी एक सिलाई फिर से सीधी सीधी बनाएंगे। तो दो सिलाइयाँ ये सीधी बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे इसके फंदे कैसे घटाएंगे। तो देखिए ये हमारी दो धारियाँ बन के आ गई है। अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे 64 फंदे हैं यानी 64 फंदे हैं। तो हम यहाँ पर 22 फंदे बनाएंगे सीधे सीधे और 22 फंदे इस साइड में सीधे बनाएंगे, और जो बीच में फंदे बचेंगे हमारे पास 20 फंदे, उन फंदों को हम घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 22 फंदे सीधे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे एक दो, ऐसे ही करते हुए हम 22 फंदे बुन लेंगे। देखिए ये 22 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं, और 22 फंदे लास्ट में हम यहाँ पर छोड़ेंगे। जो बीच के 20 फंदे हैं इन फंदों को 10 बार हम 2 का 1 करेंगे। तो ये 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा ऐसे बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा कम हुआ, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 2 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 3 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 4 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे। तो ये 5 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 6 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 7 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 8 बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 9वीं बार, फिर से 2 का 1 करेंगे, 10वीं बार। तो 10 बार 2 का 1 किया तो हमारे यहाँ पर 10 फंदे कम हुए। अब आगे फिर से हमारे ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 22 फंदे हैं। इन 22 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे, और फिर बैक साइड से भी पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फंदे हमारे सिर्फ सीधी तरफ से ही घटेंगे और हमारा ये ऊपर की तरफ बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो ऐसे इन फंदों को बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की सॉक्स और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आता है। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब फिर यहाँ से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे, और पूरी सिलाई को ऐसे फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा हम कम नहीं करेंगे, ऐसे ही पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए राइट साइड में।
तो अब फिर देखिए यहाँ पर फिर से हम 22 फंदे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये 22 फंदे बुन के फिर से बीच में फंदे हम घटाएंगे। ये 22 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब देखिए जो बीच में हमने 20 फंदों के 10 फंदे किए थे घटा के, यहाँ पे फिर से हम 10 फंदों के 5 फंदे बनाएंगे। दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे। एक बार फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे। दो बार फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक करेंगे। तीन बार फिर से दो का एक करेंगे। चार बार फिर से दो का एक करेंगे। पांच बार, तो ये फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए। अब आगे हैं जो 22 फंदे, इनको ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे ऐसे। पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ये सभी फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब ये तीन धारियाँ हमारी बन के आ गई हैं। अब आ गई हैं बैक साइड में। तो अब हमारे पास देखिए 22 और 22 44, पांच फंदे बीच में 45, तो टोटल 45 फंदे हैं। तो इन फंदों को अब हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे। तो दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। फिर इसको ऐसे लूज रखेंगे, इसको टाइट नहीं करेंगे। अगर टाइट करेंगे तो आगे से ये पैर में नहीं आएगी। ऐसे लूज रखेंगे और फिर दो का एक करेंगे। इस फंदे को फिर से लूज रखेंगे और आगे से फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से ऐसे ही लेंगे, तो इसी तरह से करते हुए इसको नॉर्मल बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। जब हमने इस सॉक्स को बुना तो हमने यहाँ से सीधी तरफ से हम फंदे उठाते गए थे, जिस साइड में हमारे ज़्यादा डिजाइन थे यहाँ पर। जब हम दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो इस कोने से हम फंदे उठाएंगे। एक बार फंदे हम 10 डिजाइन की तरफ से उठाएंगे, दूसरी सॉक्स बनाएंगे तो ये 5 डिजाइन है, इस साइड से फंदे उठाएंगे। तो जो ये डिजाइन है सॉक्स के दोनों तरफ बाहर की तरफ आएगा, दोनों सॉक्स ऐसे बन जाएंगे। तो ये फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। और अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, सुई में डाल लेंगे, क्योंकि इसी से हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ से ऐसे निकाल के इसकी नोट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ पर नोट लगा लेंगे बारीक बारीक टांग के लगाते हुए। अब हम इसकी सिलाई यहाँ पर करेंगे ऐसे बारीक बारीक टांग के लगाएंगे और इसकी सिलाई को हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी नोट लगा के इसको पक्का करेंगे और धागे को कट करेंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए सॉक्स हमारी कंप्लीट हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।